आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये जो आरएसपुरा असेंबली के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ये उसके रिगार्डिंग रखी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरएसपुरा असेंबली पिछले 26 साल से रिजर्व थी, अब उसको ओपन किया जा रहा है, लेकिन आरएसपुरा असेंबली को बढ़ाकर सतवारी तक लिया जा रहा है। लेकिन बीच उसके असेंबली के बीच से कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जो आरएसपुरा के साथ बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, उनको निकाल के बिश्नाह असेंबली में डाला जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ब्रिज खारिया पंचायत, खारिया पंचायत आरएसपुरा नेशनल हाईवे के मेन रोड पे पड़ने वाला गाँव है, जिसको नेशनल हाईवे आरएसपुरा असेंबली से निकाल के बिश्नाह के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर खारिया पंचायत की हम बात करें, खारिया पंचायत शुरू भी आरएसपुरा असेंबली से हो रही है और खत्म भी आरएसपुरा असेंबली में हो रही है, तो ऐसा छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ ना किया जाए। असेंबली बन रही है, हमें उस चीज की बहुत खुशी है कि यहाँ फाइनली आरएसपुरा असेंबली ओपन हो रही है, लेकिन ये जो जैसे खारिया पंचायत होगी, अपनी मरालियां होगी, कोटली मियां फतेह होगी, ये जितने भी गाँव है, ये असेंबली के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, इनको वापस आरएसपुरा असेंबली में मिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत। सभा सीट को वापस बहाल किया जाए, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं आरएसपुरा और सुचेतगढ़ को जब मर्ज किया गया था, तो तकरीबन उसमें जो वोट बैंक बन रहा था, वोट बैंक ही 2 लाख क्रॉस कर रहा था, तो एक अकेला एमएलए वो 2 लाख वर्कर्स को, 2 लाख जनरेशन पॉपुलेशन को कैसे संभालेगा, उसको अलग किया गया। मैं उसके लिए काफी खुश हूँ और टाइमली उसको रिजर्व किया जा रहा है, तो उसमें शायद किसी को कोई पाबंदी नहीं होगी। बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पर कैंडिडेट लोकल होना चाहिए। यहाँ पर कई ऐसे घर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, खारिया पंचायत पर्टिकुलर ब्रिज नगर को आरएसपुरा असेंबली से बाहर निकाल के बिश्नाह में जोड़ा गया, क्या ये कोई साजिश थी? क्योंकि जितने भी यहाँ के लोकल्स लोग हैं, जितने भी यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस का एक ही फेस यहाँ स्टार्टिंग से रहा, वो था दर्शनलाल रैना जी, उनका घर, उनका परिवार। आज शायद उनको पर्टिकुलर टारगेट करके ब्रिज नगर को, खारिया पंचायत को आरएसपुरा असेंबली से बाहर निकाला गया। मैं आज भी यही डिमांड करूंगा कांग्रेस पार्टी से कि आने वाले इलेक्शंस में आरएसपुरा असेंबली में जहां तक हो सके तो लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बाहर से कोई कैंडिडेट आए, क्योंकि अगर कोई बाहर से आएगा, हम उसको इजीली अप्रोचेबल नहीं होंगे, हम उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे और वो हमारे काम नहीं कर पाएगा। अगर बाहरी ऑब्वियसली कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लोकल कैंडिडेट आप जानते हैं, लोकल कैंडिडेट यहाँ रहने वाला है, उसने यहाँ पर पहले भी काफी ज्यादा सोशल वर्क किए हैं, तो बाहरी कैंडिडेट से ऑब्वियसली नुकसान होगा, कांग्रेस को भी होगा, लोकल जनता को भी होगा।